अतुल कुमार। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी सर। बिजली वाले 5-7 दिन पहले मेरा मीटर देखने आए थे, उस दिन भी मैंने इनको कहा पहले ये मीटर जला पड़ा है, 15-20 दिन के ऊपर हो गया, अभी तक मीटर की कोई सुनवाई नहीं है। फिर इनको मैं कहा ये तारे नंगी हैं यहाँ, आप इनको तारे बदलवा दो, अभी तक कोई सुनवाई। उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट के नीचे गत्ता वगैरह पड़ा तो उसकी आग लगी, आग लगने के कारण एक आधी गाड़ी खड़ी थी उसकी आग लग गई। नुकसान का सर अभी देखते हैं क्या हुआ है। जैसे अभी 15-20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले की होगी, मैं कटिंग करवाने गया हुआ था, तो जैसे ही लड़कों के फ़ोन आए, मैंने एक दो तो पिकनिक किए कटिंग करवा रहा, फिर एक पड़ोसी का फ़ोन आया, फिर मैं भागा वहाँ से, भागा तो देखा यहाँ ये हाल है। पर बिजली महकमे वाले अब पहुँचे हैं, इनको 10 फ़ोन किया, अभी तक एक फ़ोन नहीं उठाया था इन्होंने भी। अगर फायर ब्रिगेड तभी काम शुरू करेगी अगर बिजली की लाइन कटती तो। बिजली विभाग सर है कोई काम नहीं, अभी ये मीटर ज़्यादा बड़ा है, अभी आप वीडियो बनाओ इसकी, और 20-25 दिन से शिकायत कर रखी है मीटर की, यहाँ भी आग लगी थी, सारा मीटर ज़्यादा बड़ा है, कभी वहाँ पटाखे बोल रहे हैं, कोई महकमे का कोई ध्यान नहीं है इस तरह। दिनेश कुमार, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अपने बिजली के खंभे हैं ना, ओवरलोड हो जाते हैं, अभी इधर ये यहाँ पे ये कभी ये वाला तार पटाखा मार जाता है, कभी इधर वाला मार जाता है, तो इनका पता ही नहीं लगता। कभी कई बार तो यानी कि नंगी तारें सीधी नीचे गिर जाती है, कई बार तो आदमी भी बचा है कि किसी के ऊपर तार गिरते गिरते। माननीय रंजीत चौटाला से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इन बिजली महकमे को सुधार दो अपने, हमारे शहर के मंत्री हो गए, हमारी बिजली महकमे में कोई यहाँ ऑटोमेटिक सुनवाई नहीं है। अभी मैं आपको तारे दिखाऊंगा सारी है, 3 फेज का कनेक्शन है, 1 महीने से शिकायत कर रखी, अभी तक कनेक्शन नहीं काटा। पहले यहाँ फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री यहाँ से बंद हो गई, वो फैक्ट्री की तारे भी आज तक नहीं काटी इन्होंने, ऐसा बिजली महकमा परेशान कर रहा है यहाँ की जनता को।